नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम ने कहा है कि हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में रोकथाम और उपचार महत्वपूर्ण है। मोदी ने कहा है कि ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म व्यापार कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट में और बिना मास्क पहने भारी भीड़ उमड़ना ठीक नहीं है। पूर्वोत्तर में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए आगे चलना है। कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि संसद कई सारे डिजिटल अभियान शुरू करने जा रही है। इससे कानून बनाने की दक्षता में सुधार होगा और संसद के कामकाज से आम जनता को भी परिचित कराया जाएगा। संसद का 19 दिन का सत्र 13 अगस्त को ही समाप्त होगा और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का समय सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शाहपुर के बो इलाके में बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। इसकी चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग लापता हैं। हालांकि ये लोग मलबे में दफन हुए हैं, ऐसे में इनके जिंदा बचने की उम्मीदें काफी कम है। भूस्खलन की चपेट में 6 घर आ गए थे, यहाँ से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राजपुरा कांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेताओं को बंदी बनाने के दोष में किसानों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं किसानों पर केस दर्ज होने के चलते किसानों में भारी रोष पाया जा रहा है। किसानों ने राजपुरा नेशनल हाईवे पर धरना लगा दिया है। जिन किसानों पर पर्चा दर्ज किया गया है उनमें से 2 किसान ऐसे हैं जिन पर बाय नेम पर्चा दर्ज किया गया है। 7वीं यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उसे मंगलवार सुबह लगभग 5:30 पर रोहतक की सुनारिया जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल राम रहीम गुरमीत के स्वास्थ्य की जांच एम्स हॉस्पिटल में चल रही है। मई माह में राम रहीम की तबीयत बिगड़ने के चलते रोहतक पीजीआई में भी स्वास्थ्य जांच हुई थी। बता दें कि राम रहीम 1 माह से 4 बार सुनारिया जेल से बाहर आ चुके हैं। पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का आज मंगलवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की जानकारी दी। यशपाल शर्मा 1983 में कपिल देव की अगुवाई में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। यशपाल शर्मा 66 साल के थे। यशपाल शर्मा 1983 के वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। देश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 31,443 नए मामले सामने आए और 2020 लोगों की मौत हुई। वहीं 49,007 लोग डिस्चार्ज किए गए और देश में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 4,32,738 हो गई है। देश में अब तक कोरोना के कुल 3,09,07,282 पुष्ट मामले पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,63,720 मरीजों ने कोरोना को मात दे डाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार के लिए मुंबई, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के संबंध में ऑरेंज अलर्ट और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी करके भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट और गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ही हाई टाइड की भी संभावना है। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की एक टीम जल्द ही बांदा जेल में जाकर मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। दरअसल कुछ वक्त पहले ही ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने आने वाले हफ्तों में रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को मार्केट में उतारने की प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि आने वाले हफ्तों में स्पुतनिक वी के कमर्शियल रोल आउट को तेज और मजबूत करेंगे। देश भर में अब तक 50 से ज्यादा शहरों में स्पुतनिक वी की पहुंच हो चुकी है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।